चलिए अब हम पढ़ेंगे कोण, एंगल। बात नहीं भाई, कोण। अब कहा जाए कोण कहते किसे हैं, कोण की परिभाषा। बोलो जरा। हाँ, तीन आसनरेख बिंदुओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तीन आसनरेख घिरी आकृति बनाई है, त्रिभुज या त्रिकोण होता है वो, लेकिन हमको जानना है कोण। हाँ, इधर कोई बता रहा है? हाँ सही बोला। कहा जाता है दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे एक रेखा ऐसी है और एक रेखा ऐसी है, भले ही दोनों मिल रही हैं, अलग बात, और इनके बीच ये जो झुकाव है यही कहलाता है कोण। क्या कहलाता है? कोण। तो लिखिएगा एक लाइन में। हाँ बता रहा हूँ, अभी सारा बता रहा हूँ भाई। लिखिएगा दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये सिंबल है थीटा का। देखो हैं तो बहुत सारे, अल्फा बीटा गामा लैम्डा सबसे प्रदर्शित कर सकते हो, लेकिन फेमस यही है। कंफर्म है? अच्छा आप रुकिए, कोई बोलेगा नहीं भाई, जिससे पूछूंगा ही बताए। हम कह रहे हैं आप लोगों को कि आप हमें 45 अंश का कोण बनाइए, और हम बना भी रहे हैं दोनों को। हमने 45 लिख दिया। कौन सा सही है कौन सा गलत? ये वाला, ये सही है, ये गलत काहे है? अच्छा झुकाव तो दोनों तरफ है, इसका झुकाव ऊपर किया गया, इसका झुकाव नीचे किया गया है। जैसे मान लो ये दो रेखाएं हैं, हम कहें ये दोनों ऐसे, एक बार हम इसको ऊपर ले गए, एक बार कोण बना, दोनों एक बार हम इसको लेके आए, दोनों बार कोण बना, झुकाव तो हुआ दोनों बार। अच्छा झुकाव नीचे नहीं होता है, हम तो कर देते हैं, कैंची लीजिए, चिमटा लीजिए। हाँ अब बता। हाँ कुछ सही बता रहे हो आप। देखो होता क्या है, आप लोग ना ये डायरेक्शन नहीं बता रहे हो, ये जो एरो लगा है इस एरो का मतलब है, जो एरो लगा है ये इस एरो का मतलब है। देखो कहा जाए यदि एरो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में लगा हो, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की विपरीत, अगर घड़ी की विपरीत दिशा का सिंबल हो, साइन लगा हो, तो उसको कहते हैं वो पॉजिटिव एंगल बना है, धन कोण। कौन सा कोण? जब कोण एंटी क्लॉक वाली डायरेक्शन में बनेगा उसको कहते हैं धन कोण, लेकिन जब कोण क्लॉक वाली डायरेक्शन में बन जाएगा उसको कहते हैं ऋण कोण। इसका मतलब ये है ये वाला कोण 45 अंश है, ये वाला कोण -45 अंश है। बनेगा तो दोनों 45 ही 45, लेकिन ये एरो डायरेक्शन शो करता है। क्लियर है? अब कहिए इसको लिखवा दूं कैसे बना लोगे, ऐसे बन जाएगा? ठीक।
अच्छा, आप लोगों के मन में ये ख्याल नहीं आया कि शायद आप लोगों ने पढ़ा है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, उसका प्रयोग कहां करेंगे? बोलिए जरा। आर्क, देखो उसका प्रयोग जब आर्क से कोण बनेगा तब किया जाता है। जैसे आप पढ़ोगे वृत्त, है ना, वहां उसका प्रयोग किया जाता है। यहां अभी आपको केवल और केवल कोण पढ़ना है। जब वृत्त पढ़ोगे या जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे, और आपके सिलेबस में त्रिकोणमिति नहीं है, है ना, इसलिए वो थोड़ा सा बस एक बार झलक मिलेगी उसको देखने की, और पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। अब आपको पढ़ना है कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, बात नहीं भाई, कोण के प्रकार। देखो लिखवाने से बढ़िया है आपको समझा दिया जाए, ठीक। अच्छा ये बताओ, ये कौन सी रेखा है? सरल रेखा है, लेकिन कहा जाए कि कौन सी सरल रेखा है? आप लोग बताइए, क्षितिज का नाम सुनेंगे नहीं? क्षितिज क्या होता है? ऐसा स्थान जहां पर आकाश और पृथ्वी दोनों एक से मिलते हुए दिखाई देते हो, क्या कहलाता है? क्षितिज। आप अपने घर से दूर देखो, लगता है आकाश और जमीन मिल गए हैं कहीं, वो क्या कहलाता है? क्षितिज। तो उस डायरेक्शन में जो रेखा बनेगी, या कहते हैं पड़ी रेखा, पड़ी रेखा को क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो एक क्षितिज रेखा या क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं तो उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु, ओरिजिन। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु या ओरिजिन। थोड़ा सा आप लोग क्वाड्रेंट जानते रहिएगा, चतुर्थांश, ठीक। तो अब कहा जाए कि इसको मान लिया जाए कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, और इसको मान लिया जाए कि ये वाई अक्ष है, क्लियर। तो ये मूल बिंदु, मान लिया कि मूल बिंदु ए है, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं तरफ जाने पर उसका मान धनात्मक होता है, अर्थात बढ़ता है। यहां आएंगे प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, प्लस पांच, अप टू डॉट डॉट। लेकिन मूल बिंदु से बाईं तरफ जाने पर इसका मान घटता है, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच। अच्छा आप इधर बताओ, माइनस सात और माइनस नौ में से कौन बड़ा है? माइनस सात निगेटिव में, जिसका मान कम होता है वो बड़ा होता है, जिसका मान ज्यादा होता है वो छोटा, क्लियर। ठीक इसी प्रकार वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलते हैं, इसका मान धनात्मक होता है, यानी प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, प्लस पांच, और नीचे जाने पर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, यानी ऋणात्मक होगा। ये बात क्लियर हुई? देखो जब एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करें, अभी आपको बताया जाएगा समकोण क्या है। एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करें तो इनके द्वारा ये जो बना स्पेस, ये चार चतुर्थांशों में विभाजित हो जाता है। कितने में? चार। तो यहां से कहते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश, क्लियर है। अब देखो कहा जाए कि प्रथम चतुर्थांश में जो क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा? एक चीज जानिएगा, जब भी निर्देशांक लिखा जाता है हमेशा छोटे वाले ब्रैकेट में और एक्स और वाई के रूप में लिखा जाता है,
किसके रूप में, छोटे ब्रैकेट में एक्स और वाई के रूप में लिखा जाता है। अच्छा मतलब एक्स ये एक्स अक्ष है, वाई मतलब ये वाई अक्ष है और मूल बिंदु से काउंट होगा। तो जरा आप बताओ इधर चले हैं एक्स अक्ष, इधर चले हैं वाई अक्ष, क्योंकि तभी तो हम इसके पास मिल पाएंगे। तो बोलो एक्स का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वाई का मान पॉजिटिव। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक हमेशा धनात्मक होते हैं। दूसरे में आओ, हमेशा किस रूप में लिखा जाएगा, एक्स वाई। तो बोलो इसमें एक्स का मान धनात्मक है कि ऋणात्मक, ऋणात्मक है, कहोगे माइनस, और वाई का मान धनात्मक है प्लस। थर्ड वाले में आओ, लिखा जाएगा एक्स वाई के रूप में। जरा बोलो एक्स कितना है, वाई कितना है, ऋणात्मक हुआ। चतुर्थ में आओ तो कहोगे एक्स पहले लिखा जाएगा, ये है चतुर्थ का एक्स, तो प्लस और वाई माइनस। अब क्लियर हुआ कि चतुर्थांश में क्या होता है। अब देखो इससे तो सवाल कभी कभार एकाक आया हुआ है, जिसे कहा जाए कि माइनस चार और तीन, दो बिंदु जिसके निर्देशांक माइनस चार और तीन है, बताइए किस चतुर्थांश में स्थित होगा। सेकेंड देखो माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा। जैसे कहा जाए कि अब ये छह हो ये माइनस पाँच हो, तो बोलो किस चतुर्थांश में स्थित होगा, चतुर्थ में। ये बात कंफर्म हुआ, क्लियर है ना। इसको आप बनाना चाहते हो तो तेजी से बना लो। आपको बताना है कोण, बिना इसके बताया कोण नहीं बता सकता था। हो गया भाई। देखो ये आपको नंबर्स नहीं लिखने, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। बनाना है तो बस दो तीन करके लिख दीजिए, दो तीन नंबर। क्लियर है, इधर देखो। अब आपको ऐसे ही बनाना है और यहीं से हम सारा कोण डिफाइन कर देंगे, है ना। लिखने से झंझट मिल जाएगा आपको, झंझट छूट जाएगी। इधर देखो, मान लिया कि यह है आपका चतुर्थांश वाला मामला, ठीक। मान लो हम एंगल यहां से मेजर करते हैं और ऐसे चले हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, फिर वहीं पहुंच गए, तो कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। चलो ठीक है, ये बात कंफर्म हुआ ना, बस इसको जान लिए तो छोड़ दो। पहला पॉइंट जो आता है आपका, वो आता है शून्य कोण, जीरो एंगल। आप चलो लिख देता हूं, अगर आप यहीं से चले थे और यहीं हैं तो कितने अंश का कोण बना है, शून्य। तो कहा जाता है जीरो अंश के शून्य कोण को शून्य कोण कहा जाता है। जहां पर कोण का मान जीरो हो उसे क्या कहते हैं, शून्य। क्लियर। अब देखो यहां है शून्य और यहां से यहां चले हैं 90, यहां से यहां चले तो 180, यहां से यहां चले 270, फिर वहीं पहुंच गए तो अभी आप बताया था ना, यहां से यहां चला तो कितने अंश का, 360 अंश का। अब ध्यान दो, इसके बाद वाला कोण जो आता है वो आता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। क्या आता है, न्यून कोण। तो कहा जाता है कि ऐसा कोण जिसका मान जीरो से ज्यादा हो और 90 से कम हो। क्या चीज, ऐसा कोण जिसका मान जीरो से ज्यादा हो 90 से कम हो, उसे कहते हैं न्यून कोण। तो कहा जाए मान लो जो कोण है वो जीरो से ज्यादा हो लेकिन 90 से कम,
उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। एक्यूट एंगल। बोले भाई लिखवा दे, समझ लेंगे आप लोग। क्या कहोगे कि ऐसा कोण जिसका मान जीरो से ज्यादा हो, 90 से कम हो, उसे कहते हैं न्यून कोण, या दूसरी भाषा में कहा जाता है जीरो और 90 के बीच बने कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्लियर। दूसरा आता है अगर कोण का मान एग्जैक्ट 90 बन जाए, अगर कोण का मान एग्जैक्ट 90 बन जाए उसे कहते हैं समकोण, राइट एंगल। क्या चीज? यदि कोण का मान एकदम 90 के बराबर प्राप्त हो जाए तो कौन सा कोण होगा? समकोण या राइट एंगल। दूसरा आता है यदि कोण 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, 90 से ज्यादा हो 180 से कम हो, तो उस कोण को कहा जाता है वो अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? देखो नहीं क्लियर है तो बताइए, मैं 1 by 1 करके लिखवा दूंगा। क्लियर है ना? ठीक। क्या कहोगे? ऐसा कोण जिसका मान 90 से ज्यादा हो तथा 180 से कम हो उसे कहते हैं क्या? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर थीटा के रूप में आप दर्शाना चाहते हो, कहोगे कि 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। ये थीटा देखो 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, कहने का मतलब थीटा की तरफ मुख खुला है मतलब बड़ा है, और बंद है मतलब छोटा है। दूसरा आता है यदि कोण का मान एग्जैक्ट 180 अंश के बराबर प्राप्त हो जाए तो कौन सा कोण? बोलो। यदि कोण का मान 180 के बराबर हो जाए उसको कहते हैं रेखीय कोण। रेखीय कोण या सरल कोण या रिज कोण, सबको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर एंगल। क्लियर है? बोलो भाई। कब? जब कोण का मान कितना प्राप्त हो जाए? 180। उसका 3 नाम है याद रखिएगा, रेखी कोण, सरल कोण या रिज कोण। क्लियर है? चलो ठीक। अच्छा आप बताओ कि ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा हो, 270 से कम हो, अधिक तो इधर हो गया, हाँ सही कह रहे हो, बृहत कोण। अभी रुक जाओ रुक जाओ, अभी लिखने से पहले रुक जाओ। अभी आपने क्या बोला कि ऐसा कोण जिसका मान 180 से ज्यादा हो, 270 से कम हो, क्या कहोगे? बृहद या बृहत। ठीक। अच्छा एकदम 270 के बराबर प्राप्त हो जाए तथा 270 से ज्यादा 360 से कम प्राप्त हो जाए, अब बोलो, कोई बोले बोलो। क्या होगा? याद रखना जो आप लोग जानते हो सही जानते हो, लेकिन पूरी चीज नहीं जानते हो, है ना? इधर देखो कहा जाता है कि यदि कोण का मान 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, उसे कहते हैं बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल। क्या? बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अब सुनो हमने क्या बोला, यदि किसी कोण का मान 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, क्या कहलाएगा? बृहद कोण। अच्छा जो आप लोग कह रहे थे इधर
तो 180 से ज्यादा 270 से कम होगा तो वो बृहत नहीं होगा क्या? वो भी बृहत होगा, है ना। हाँ, अब देखो अगर मैं कह दूं 260, ये 270 से कम है, 180 से ज्यादा है तो बृहत है, लेकिन जो एग्जैक्ट परिभाषा है 180 से ज्यादा 360 से कम तो क्या होगा, ये बृहत। अब कहा जाए 270 क्या है, ये भी बृहत कोण है। कहा जाए 320 कौन सा एंगल है, ये भी क्या है, बृहत कोण। तो आपको एक ही चीज याद रखना है कि ऐसा कोण जिसका मान 180 से ज्यादा हो, 360 से कम हो, क्या कहलाएगा, बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। कंफर्म है? अगर किसी कोण का मान एग्जैक्ट 360 प्राप्त हो जाए, कितना प्राप्त हो जाए, 360 प्राप्त हो जाए, उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। क्या कहते हैं, पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। नोट कर लीजिएगा।